मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। पैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं नजीमुल्ला के बारे में। आप जब उमरा टोल क्रॉस करोगे और जब लेफ्ट मार के जब हाईवे पे चढ़ते हो, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रुस्तम जी कॉलोनी बनी हुई है। वो आपको मालूम, आपको सबको मालूम है जमीन किसकी है। वो जमीन बहुत बुद्ध की थी। उसने उस जमीन को जो है रुस्तम जी बिल्डर को बेच के उसने 20% वहां से कमाया है। जब एक उंगली में आप भी उठाऊंगा, चार उंगली मेरे पे भी आती है। आप दूसरे को मिस कर परसेंटेज बोलने से पहले आप अपने को सर से बाहर से लेके पैर के नाखून तक देखो कि आप कितने परसेंट में डूबे हो। थाना महानगर पालिका के अंदर गोल्डन गैंग का नाम है। शानू भाई जानते हैं, मैं भी उस वक्त नगर से इतना गोल्डन गैंग का नाम है, जिसमें सबसे बड़ा मेंबर यही है। जो लोगों को कॉन्ट्रेक्टर को डराना, उनसे पैसा लूटना, ये सब करना, ये सब उसी का काम है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उसके घर के ऑफिस के जाओगे ना, राइट साइड में एक टीएमसी टावर बना रहा है। तो मैं माहिती डाल के उसका पेपर निकाला हूँ, कम से कम मेरे को पेपर निकाल के 6 महीना हो गए, मैंने उसकी कंप्लेंट में डाला हूँ। उस बिल्डिंग को डीपी रोड भी नहीं है, उस बिल्डिंग को गार्डन भी नहीं है, और सेंशन 4 माला हुआ है और उसको 20 माला बनाने का है, मतलब 16 माला इलीगल। जो थाना महानगर पालिका उसको ऊपर परमिशन नहीं दे रही, आज 2 या 3 साल से वो काम 4 माले के ऊपर बढ़ा नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे शमीम भाई, शानू भाई मेरे भाई है, जैसे शमीम भाई ने अपना एक इजहार किया, साहब मेरे को भी जब मैं माहिती डाला था मुझे भी धमकी आई थी कि तू थाना अकेले जाएगा ना तो तेरे को लोग मारेंगे। जब भी अल्लाह का ऐसा नहीं, मेरे को दुआ है सरकारों की, मैं अकेले थाना जाता हूँ, आज तक मुझे थाने वाला कोई नहीं छुआ है। डराने का काम अभी भिन्दा चल रहा है, कल 50 गाड़ी रात के 4 बजे नूरबाग हॉल के ऊपर लाइन से खड़ी थी, वहाँ पैसे बांटनी चाह रही थी और सब बाहर के लड़के थे, कोई मुमरा का लड़का नहीं था। ये सिर्फ डराने के लिए, एक माहौल खराब करने के लिए। मुमरा कोसा में कभी माहौल खराब नहीं हुआ है इतने साल से, ये पहला इलेक्शन है। मेरे को लगता है ये माहौल मुमरा कोसा का खराब करेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नजीमुल्ला जी को कहना चाहता हूँ, आप 1.5 साल सत्ता में थे तो आपके पास तो डिप्टी सीएम था, आप उसको बॉस बोलते थे, तो आपने भी मुमरा कोसा के लिए फंड क्यों नहीं लाया? आपको स्लेटर हाउस का फंड तो पहले लाना चाहिए था। और आपके चैनल के ऊपर भी एक न्यूज है, आपको को याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ कि हम मुसलमान को 5% रिजर्वेशन दिलाएंगे। मेरे ख्याल से उस बोलने के बाद 2 बार विधानसभा खत्म हुई। अब जाकर ऐसा था, तू इनने 5% मुसलमान को क्यों दिलाया? जितना मैं करीब, जितना आवाज साहब जानते हैं, उसके बाद जितना मैं इसको करीब से जानता हूँ ना, शायद ही कोई जानता है ना, इतना बड़ा छोटा है और इतना बड़ा मक्का है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मुमरा कोसाओं को, लोगों को गुमराह करेगा बस, काम उससे कुछ नहीं होगा। जिसने 20 साल राबुड़ी में काम नहीं किया है, नगर सेवक होके, विरोधी पक्ष नेता होके, गट नेता होके, उसने 20 साल के राबुड़ी के रोड को चौड़ा नहीं किया है, वो मुमरा कोसा का क्या डेवलपमेंट करेगा? अब लोगों को डराना और दबाना छोड़ो, आओ वोट मांगो। आप बोलते हैं तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इल्लल्लाह, वक्त बोर्ड की जमीन भी थी जब तुमको अल्लाह का खौफ नहीं हो गया, जब हमारे नबी के टाइम से चलते हमारे और जमीन का सब सिलसिला, जब आपने वो जमीन बेच दी, जब आपको याद नहीं है कि वो मुसलमान था? कल मेरे ऑफिस के बाद 20 मिनट खड़ो के भाषण दिए, रैली निकली थी शमीम भाई, सिर्फ एक ही गाड़ी थी और 10 लोग थे, और एक मुशायरे को बुलाए थे, मुशायरे का आदमी मेरे 5-10 का लिफाफा दिए होंगे। वो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ये समझ लेगा, 30 रोजे वो रखता है, वो ऐसा कह रहा था मैंने, 30 रोजे वो रखता है, तरावी वो पढ़ता है। मैं सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत लोग मुसलमान है, हमारे पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हमारे अहमद हमारे साथ जाएंगे, वो हमको मालूम हमने क्या नेकी की, मगर वो जो सुना रहा था गलत सुना रहा था। कभी नजीमुल्ला से पूछो 30 रोजा रखता है क्या? मैं करीब में था, किसी की इस्लाम की बुराई में करना अच्छी बात नहीं है, मगर वो जो कल भाषण दे रहे थे ना रैली पे गड़ों पे, उनको सोचना चाहिए, ये सब बात नहीं करना चाहिए। आप वोट मांगने आए, आप वोट मांगो, आपका हक है वोट मांगने का, उसने हमको ऐतराज नहीं ना, हमको बीच में आने का है, मगर ये सब बातें मत करो। मैं 9 साल से जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। आप कभी भी राबड़ी जाना होगा, जो उनके घर की ऑफिस है राइट साइड में देखना टावर बन रहा है, और 2-3 साल से काम रुका हुआ है, जो 4 माले से ऊपर गया नहीं, उनको 20 माला करने का है, तो थाना शहर विकास उनको परमिशन नहीं दे रही है। मेरा बिल्कुल है,
मैं बिगर इससे आपको नहीं बता रहा, मैंने इसकी कंप्लेंट भी डाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली आपको मुंह से वर्करी बोल रहा, कभी मेरे मेरी ऑफिस अभी पर्सनल बनी है, मैं आपको बुलाऊंगा तो इंशाल्लाह वो पेपर भी दिखाऊंगा।